वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का ट्रेड हिट इंजन के सिलेबस के बारे में। ठीक है, हिट इंजन का सिलेबस देखते हैं हम लोग क्या है। आप सब लोगों को पता है कि डीजीईटी के साइट पे हिट इंजन का सिलेबस नहीं है। ओके, तो मुझे थोड़ा सा मेहनत लगा है इसका सिलेबस निकालने में, क्योंकि देखो डीजीईटी के साइट पे नहीं है बट बहुत सारा जगह पे जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में हिट इंजन कोर्स होता है, जहां पे हिट इंजन का पढ़ाई होता है, वहां पे तो सिलेबस अवेलेबल है। तो मैंने वहां से सिलेबस निकाला है, ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर निकाला है, हिट इंजन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है। उसके बाद मैंने उस जो भी आस्क क्वेश्चन है उस हिसाब से आप लोगों का सिलेबस काफी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया है और आप लोगों को वही सिलेबस फॉलो करना है। और ये सिलेबस आप लोग फॉलो करो, आप लोगों का आराम से जो है सो 100% कवर हो जाएगा सिलेबस। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा पेपर हिट इंजन से आएगा या पूरे मैकेनिकल से आएगा। देखो सिलेबस का पैटर्न इस तरह से है ना कि आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ हिट इंजन से आएगा। हिट इंजन में आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी भी है दिया हुआ, इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, थोड़ा सा आपका हीटर वगैरह का भी सिलेबस दिया हुआ है और हीट इंजन का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं क्यों आप लोगों का अलग अलग ट्रेड का सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि उस ट्रेड में मैंने सब कुछ इंक्लूड करके सिलेबस बनाया है। मतलब आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि हीट इंजन से आएगा या मैकेनिकल से आएगा। जो ट्रेड में आप लोगों का सिलेबस मैंने डाल दिया है, आप लोग सिर्फ उस सिलेबस को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस हीट इंजन का भी है, मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इलेक्ट्रॉनिक का भी, सब कुछ कंबाइन करके मैंने बहुत बढ़िया से शॉर्टकट वे में अच्छे से सिलेबस को बनाया हुआ है। तो आप लोग बस इस सिलेबस को फोकस करो और अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ट्रेड में मैंने बताया है, तो मैं सोचा कि यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन आपका कि सेकेंड पेपर जो होगा वो आप लोगों का 2.5 घंटा का होगा और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक ही दिन होगा, ठीक है। चलो पार्ट ए आपका 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका, और साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्ट बी में आपको पास करना ही पड़ेगा 35% नंबर ला करके, तभी आपको पार्ट ए में मेरिट बनेगा। आप पार्ट ए में टॉप कर जाओगे लेकिन पार्ट बी अगर फेल कर जाओगे तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, चलो ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है, जिसमें ये जो तीसरा सिलेबस देख रहे हो सेक्शन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कम्प्लीटली नया सिलेबस है और थोड़ा सा टफ भी है, इसलिए मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। 4 लेक्चर आ भी चुका है, ठीक है, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 भी आ जाएगा। तो आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करो, आपका ये पूरा कम्प्लीट करवा दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में देखो, देखो कुछ लोग काफी हाई लेवल का पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि 60 मिनट में ही 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ज्यादा हाई लेवल पे जाना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का आएगा और जिस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और डीजीईटी के साइट से सिलेबस डाउनलोड करना है, लेकिन ये तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो डीजीईटी के साइट पे नहीं है वो भी अब हम लोगों के पास है, ठीक है। देखो ये आपका 10+2 वाले लोग हमेशा कमेंट करते हो कि सर मेरा इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रीशियन दोनों का सिलेबस सेम होगा क्या। मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो आप लोगों का प्रॉब्लम है कि अभी तक आप लोगों का क्लियर नहीं हो पाया ये चीज। मैंने हर लेक्चर में अभी तक 10 बार बताया हुआ है कि आप लोग इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और वायरमैन से पेपर दे सकते हो, ठीक है। पोस्ट आपको 70 और 71 ही मिलेगा, और आपका पेपर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर हो इलेक्ट्रीशियन का, वहां पे क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाएगा कि ये इलेक्ट्रीशियन वाले बंदे 10+2 वाले हैं और ये इलेक्ट्रीशियन वाले बंदे डिग्री होल्डर हैं, ठीक है। अगर आप बैंक का फॉर्म भरोगे तो आप पीएचडी करो या एमबीए करो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, आपको बैंक का सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, आपको बैंक का सिलेबस करना पड़ेगा। सिंपल, ऐसा नहीं कि पीएचडी जो किया हुआ है उसको ज्यादा टफ पूछेगा और जो बीटेक किया हुआ है उसको थोड़ा सा कम पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो देखो ये सिलेबस है बहुत बढ़िया, आप ये कह सकते हो कि सारा ट्रेड सिलेबस से ज्यादा मेहनत मैंने इस पे किया है, क्योंकि बार बार कमेंट आया है, मुझे फेसबुक पेज पे भी मैसेज आया है, मेल आईडी पे भी मैसेज आया है, ठीक है, और काफी लोग कमेंट कर रहे हैं हीट इंजन को सिलेबस को लेकर के। सिंपल सी बात है, डीजीटी के साइट पे अवेलेबल है नहीं, सारा ट्रेड का सिलेबस मैंने डाल दिया है, तो हीट इंजन वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यार वो क्या करें।
तो आप लोगों को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जितना चीज है देखो, हीट इंजन का सिलेबस मैंने यहाँ बनाया है, आप लोगों को सिर्फ ये सिलेबस पढ़ना है। आप भूल जाओ कि आपको इलेक्ट्रिकल से आएगा कि आपको मैकेनिकल से आएगा कि आपको रेफ्रिजरेशन से आएगा कि आपको फीटर से आएगा, आपको कहीं से आए उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है आपको इस सिलेबस को करना है कंप्लीट। इस सिलेबस को कंप्लीट करोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, आपके ट्रेड से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना देते हैं, उस प्लेलिस्ट में मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप लोग उस प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लेना, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां से पढ़े क्या पढ़े। सिंपल सा आंख बंद करके जितना वीडियो आपके प्लेलिस्ट में रहेगा आप देख लेना। मेरा काम है कि कौन सा वीडियो आपके प्लेलिस्ट में भेजना है, ठीक है। चलो देखो, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। सिंपल सा बात है, आपका ट्रेड हीट इंजन है तो हीट इंजन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद फिटिंग टू, देखो ये टेक्नीशियन का पोस्ट है। हर लेक्चर जितना भी ट्रेड का सिलेबस मैंने बनाया है सब में ये डाला हुआ है फिटिंग टूल। क्यों? क्योंकि आप देखो, इलेक्ट्रीशियन से बनो या इलेक्ट्रॉनिक्स से बनो या फीटर से बनो या हीट इंजन से बनो, ये आपको आना चाहिए कि क्या होता है फिटिंग टूल, कैसे फिट करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंट क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या, ये सारे ट्रेड वालों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने डाला हुआ है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक है ना, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो, ओम्स लॉ क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पावर करंट रेजिस्टेंस, यही सारा चीज है। इसका बेसिक आप लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल जिसका ट्रेड है, जिसका इलेक्ट्रिशियन है, उसको डिटेल्स में पढ़ना है पूरा, आप लोगों को बस ओवरव्यू लेना है हल्का सा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ बेसिक फंडा आप लोगों को जानना है और हल्का सा वेल्डिंग का फंडा आप लोगों को जानना है कि क्या होता है ये सब, बस हल्का हल्का। और यहाँ से आप लोगों का ट्रेड सिलेबस मेन स्टार्ट होता है। आप लोगों को सिलेबस देख करके पता चल जाएगा कि अगर आप लोग हीट इंजन पढ़े होंगे या थोड़ा सा भी जानते होंगे, क्योंकि आपने हीट इंजन सेलेक्ट किया है तो आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं। देखो हीट इंजन, हीट इंजन का दो टाइप होता है, इंटरनल कम्बसन और एक्सटर्नल कम्बसन। इंटरनल कम्बसन को फिर दो टाइप में बांटते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में आपका फिर से दो आता है, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। फिर स्पार्क इग्निशन में जाओगे तो पेट्रोल इंजन आएगा और गैस इंजन आएगा, और कंप्रेशन इग्निशन में जाओगे तो डीजल इंजन और ऑयल इंजन आएगा। और सारे इंजन का, पेट्रोल इंजन का 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और डीजल इंजन का 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, तो ये हम लोगों का सिलेबस है हीट इंजन का। ये डायग्राम आप लोगों को समझा दिए ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ोगे। हीट इंजन, हीट इंजन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन, एप्लीकेशन ऑफ आईसी इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, 2 एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसी इंजन पढ़ेंगे 7 में। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि साइकिल ऑपरेशन क्या होता है, मेथड ऑफ इग्निशन क्या है, सिलेंडर का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर का अरेंजमेंट, ये सारा चीज। उसके बाद है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन। तो इसमें हम लोग सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक इंजन बियरिंग, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील, गवर्नर, वाल्व्स, ये सारा चीज, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर वगैरह देखेंगे। उसके बाद देखो 2 स्ट्रोक आईसी इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का हम लोग बेसिक फंडा देखेंगे, फिर 4 स्ट्रोक इंजन देखेंगे क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है 4 स्ट्रोक का, सब कुछ शॉर्ट कट में देखेंगे। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ओनली 35% नंबर ला के आप लोगों को पास ही तो करना है। सिर्फ हम लोग ओवरव्यू लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी ज्यादा करेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ये आपको सारे ट्रेड में मिलेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाता है, तो हम लोग किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे ट्रेड के लिए है, ठीक है। चलो हैंड एंड पावर टूल, ये आपको हल्का सा टूल्स वगैरह है, चॉप क्या होता है, ब्रश क्या होता है, स्क्रैपर क्या होता है, पंच क्या होता है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है। चूंकि देखो पोस्ट ही है आप लोगों का टेक्नीशियन का, आप लोगों को काम ही करना पड़ेगा मैकेनिक वाला, तो मैकेनिक वाले अगर आप मैकेनिक बनते हो तो आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए कि क्लैंप क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, हैमर क्या होता है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास छोटा सा रहेगा, हीटर वाले के पास बड़ा सा हैमर रहेगा, ठीक है, लेकिन सब लोगों को सारा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ओके। चलो और कटिंग टूल, थोड़ा सा आपका कटिंग टूल फाइल वगैरह जो होता है, हैक्सॉ वगैरह,
तो इसके बारे में हम लोग हल्का सा ओवरव्यू लेना है। तो ये आपका हीट इंजन का कंप्लीट सिलेबस था, आपका अच्छे से देख लो। मेन फोकस हम लोग इस पे करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस से ज्यादा रिलेटेड है, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, आपका ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, ठीक है, हीट इंजन, एप्लीकेशन ऑफ आईसी इंजन, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इतना प्रैक्टिस करेंगे ना कि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो, मन से पढ़ाई करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।